हेलो दोस्तों, वेलकम। आप देख रहे हैं देसी मिसी को। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग इस हाउस डिजाइन को पूरे डिटेल के साथ देखेंगे, जिसकी डायमेंशन है 15x35 फीट। दोस्तों, हमारे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था इस डिजाइन को बनाने के लिए, उसी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैंने इस घर को डिजाइन किया है। जहाँ पे दोस्तों ग्राउंड फ्लोर में आपको लिविंग हॉल देखने को मिल जाएगा, देन किचन मिल जाएगा, देन वॉशरूम मिल जाएगा, देन फर्स्ट फ्लोर पे दोस्तों यहाँ पे आपको एक स्टडी रूम मिल जाएंगे, एक बेडरूम मिल जाएंगे विद कॉमन वॉशरूम के साथ। दोस्तों, अगर आप भी अपने लिए हाउस को डिजाइन करवाना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करने से पहले दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही होगी, एलिवेशन पसंद आ रही होगी, जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि दूसरे लोग भी इस वीडियो से फायदा उठा सके। दोस्तों, यहाँ से आप किसी भी प्रोफाइल को डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड लिंक दोस्तों हमेशा की तरह आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उस लिंक को फॉलो करके आप इस फाइल को भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों आप एलिवेशन देख रहे होंगे, एक्सटीरियर व्यू देख रहे होंगे, जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रही है। इसी तरह दोस्तों मैंने इसके इंटीरियर भी काफ़ी अच्छे तरीके से डिजाइन किया हुआ, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आगे कंटिन्यू करने से पहले दोस्तों वीडियो को पॉज करके इस प्लान को अच्छे से देख लीजिए। इस प्लान को वॉक थ्रू के जरिए हम लोग इसका कंप्लीट इंटीरियर व्यू को देखेंगे। तो जैसा कि दोस्तों आप एलिवेशन देख लिए होंगे, जो कि काफी खूबसूरत लग रही है, तो चलिए अब हम लोग दोस्तों यहाँ पे मेन एंट्रेंस से घर के अंदर चलते हैं, इसका कंप्लीट इंटीरियर व्यू को देखते हैं। मेन एंट्रेंस से दोस्तों घर के अंदर आते ही सबसे पहले आपको लिविंग हॉल देखने को मिल जाएगा, जो कि मैंने कुछ इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है। यहाँ पे दोस्तों आपको दो दो विंडो मिल जाती है, जहां से आपकी वेंटिलेशन वगैरह अच्छे से हो सके। दोस्तों, ये प्लॉट कॉर्नर प्लॉट है, आपको यहाँ पे राइट साइड में, देन फ्रंट साइड में, दोनों साइड में आप विंडो ओपन कर सकते हैं। देन इसी सोफा सेट के फ्रंट में दोस्तों मैंने यहाँ पे टीवी यूनिट को भी फिट किया हुआ, जो कि काफी खूबसूरत लग रही है। टीवी यूनिट के जस्ट बैक साइड में दोस्तों यहाँ पे आपको स्टेयर मिल जाती है फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए। अभी हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे नहीं चलते हैं, सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर को देख लेते हैं। देन लिविंग हॉल से दोस्तों जब आप आगे की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पे डाइनिंग टेबल के लिए आपको स्पेस मिल जाएगा, जहाँ पे दोस्तों तीन चार टेबल वाली डाइनिंग टेबल आप आसानी से फिट कर सकते हैं। देन डाइनिंग टेबल के जस्ट बगल में दोस्तों स्टेयर के नीचे यहाँ पे आपको स्पेस मिल जाती है, जहाँ पे मैंने वॉशिंग एरिया को यूज किया हुआ है। यहाँ पे दोस्तों आपको वॉश बेसिन भी मिल जाएगा। देन इसी लिविंग हॉल से दोस्तों आपको यहाँ पे एक और एंट्रेंस मिल जाएगा राइट साइड की ओर। देन बैक साइड में दोस्तों यहाँ पे आपको दो डोर मिल जाएंगे, एक किचन का, एक वॉशरूम का। तो चलिए सबसे पहले हम लोग वॉशरूम को देख लेते हैं। ये रहा आपका ग्राउंड फ्लोर का कॉमन वॉशरूम दोस्तों, जो कि काफी नीट एंड क्लीन है, काफी अच्छे तरीके से मैंने डिजाइन किया। दोस्तों यहाँ पे आप शावर भी फिट कर सकते हैं, पैन भी फिट कर सकते हैं, इसके बावजूद भी आपको स्पेस मिल जाती है। यहाँ पे दोस्तों बैक साइड में आपको 2x2 की विंडो भी मिल जाती है, जहाँ से आपकी वेंटिलेशन वगैरह अच्छे से हो सके। तो चलिए इस वॉशरूम से निकल के दोस्तों हम लोग किचन को देख लेते हैं। ये आपका किचन दोस्तों, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है, काफी अच्छे खासे साइज में बनाई हुई। दोस्तों यहाँ पे भी आपको बैक साइड में विंडो मिल जाती है, जहां से आपकी वेंटिलेशन वगैरह अच्छी से हो सके। बाकी बात दोस्तों, मैंने किचन में हर चीज को अच्छे से अरेंज किया हुआ है। तो ये ओवरऑल आपका डिजाइन था दोस्तों ग्राउंड फ्लोर का। चलिए स्टेयर से होते हुए दोस्तों हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे चलते हैं, जहाँ पे दोस्तों आपको एक स्टडी रूम मिल जाएगा, एक बेडरूम मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आपको छोटा सा एक लॉबी भी मिल जाएगा, देन आपको एक कॉमन वॉशरूम भी मिल जाएगा। सबसे पहले हम लोग स्टडी रूम को देख लेते हैं। स्टडी रूम के जस्ट बगल में दोस्तों यहाँ पे आपको कॉमन वॉशरूम मिल जाएगा, जैसा कि भी आपने ग्राउंड फ्लोर में देखा एग्जैक्ट आपको सेम मिल जाएगा। ये आपका स्टडी रूम का डिजाइन दोस्तों, जहाँ पे आप स्मॉल सा बेड भी फिट कर सकते हैं। बाकी बात दोस्तों, मैंने बेडरूम को अच्छे से डिजाइन किया हुआ है। तो चलिए इस बेडरूम से निकल के दोस्तों हम लोग लॉबी में चले आते हैं। इस लॉबी में दोस्तों मैंने यहाँ पे विंडो ओपन किया हुआ, जहाँ से आपकी वेंटिलेशन वगैरह अच्छी से हो सके। देन इस लॉबी से होते हुए दोस्तों हम लोग बेडरूम की ओर चलते हैं। ये आपका बेडरूम का डिजाइन दोस्तों, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है, काफी अच्छे तरीके से मैंने डिजाइन किया हुआ। दोस्तों यहाँ पे आप मैंने बेड भी फिट किया हुआ, कबर्ड भी फिट किया हुआ, इसके बावजूद भी आपको अच्छी खासी स्पेस मिल जाती है। यहाँ पे भी दोस्तों आपको दो दो साइड में विंडो मिल जाती है, जहाँ से आपकी वेंटिलेशन वगैरह अच्छी से हो सके। इस बेडरूम से दोस्तों यहाँ पे फ्रंट साइड की ओर आपको डोर मिल जाती है, जो कि आपका बालकनी का डोर है। तो चलिए हम लोग बालकनी से होते हुए बाहर चलते हैं। तो ये ओवरऑल डिजाइन है दोस्तों हमारा 15x35 फीट का। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी, डिजाइन पसंद आई होगी, जिस वीडियो को लाइक कर दिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि दूसरे लोग भी इस वीडियो से फायदा उठा सके। इसी तरह के वीडियोज़ को देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।